क्या आप जानते हैं, जब वीर की शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो आपके बोलने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपके वीर की शक्ति जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम जो भी वीर के फ़ायदों की बात करते हैं ना, वो तभी मिलते हैं जब आप 30 दिन के पार जाते हैं। अगर आप उससे ही पहले हार मान लेंगे तो आपको कैसे फ़ायदे मिलेंगे? अगर आप उससे पहले ही ब्रह्मचर्य तोड़ देंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह से पता चला अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने के बारे में। देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि एक किताब हमारे हाथ लगी थी 3 साल पहले, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की ये किताब है। अब इस किताब में एक चैप्टर है जो ये बताता है कि आप अपनी वीर की शक्ति को किस तरह से अच्छे काम में लगा सकते हैं, और इसके कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अगर किसके पास थिंक एंड ग्रो रिच किताब हो तो आप ये देख लेना, पेज नंबर 151 या फिर 152 में इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि 25,000 लोगों पे एक स्टडी किया गया, और उस स्टडी में ये पाया गया कि 40 के बाद जाकर लोग अपने ड्रीम जॉब को पाने में कामयाब हो रहे हैं। यानी उनका जो सपना था जिंदगी में करने का, वो तभी हो रहा है उनका पूरा जब उनकी उम्र 40 के पार जा चुकी है। और ठीक इसके नीचे एक बात लिखी गई है, इसको नोट करना, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी को सही तरीके से पहचान नहीं पाए हैं। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, यानी पूरी जवानी में उन्होंने काम वासना के पीछे अपना समय बर्बाद किया, अपनी एनर्जी को बर्बाद किया, और उनको इस बात का तब एहसास हुआ जब थोड़ी देर हो चुकी थी। और अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, वो लक्षण जो ये बताते हैं कि आपके वीर की शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही है। सबसे पहला साइन है नाइटफॉल को लेकर, कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। 90 दिन के बाद जाकर हमारे वीर की शक्ति जो है वो ओजस में बदलती है, वो हमारे खून में मिलती है। तो अगर 90 दिन के बाद आपको नाइटफॉल नहीं होता तो ये साइन है कि आपकी वीर की जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। दूसरा लक्षण है इमोशन को लेकर, बहुत सारे लड़कों को आता है गुस्सा जब वो अपने वीर को बचाते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में जाएं और प्राणायाम करें साथ में, तो कुछ महीनों बाद आप ये पाएंगे कि आपका जो गुस्सा है उसको आप बेहतर तरीके से डील कर पा रहे हैं, आपका जो अग्रेशन है वो कंट्रोल्ड अग्रेशन में बदल जाएगा। तीसरा लक्षण जो है वो जुड़ा है आपके वॉकिंग से, आप जैसा चलते हैं उसमें एक तरह का बदलाव आएगा, एक चेंज नज़र आएगा आपको, आप थोड़ा बेहतर तरीके से चलेंगे, उसमें एक बहुत अच्छा एलिगेंस होगा, एक ग्रेस होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब आप चलेंगे, लोग आपको देखेंगे चलते हुए। और चौथा साइन है आपके वॉइस से रिलेटेड, आप देखें थोड़े ही दिनों में आप ये पाएंगे कि आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी डीप हो गई है, दम आ गया है उसमें, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, जो आप कहना चाहते हो वो नदी की धार की तरह, जैसा आप बोलना चाहते हो ठीक वैसे ही आपके मुंह से निकल रहा है। जो भी इंसान प्राणायाम के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, योग के जरिए अपनी शक्ति को शरीर के चारों ओर फैलाता है, वो ये पाता है कि उसकी पूरी दिनचर्या, उसका पूरा जीवन बदलता है। और हाँ दोस्त, टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।